Hello and welcome students. Hope all of you are doing well, all of you are safe. So here I have come up with one of the chapter of class 12 accountancy, which is goodwill and its valuation. Clear? Kya bola maine? Goodwill and its valuation. So let us start. Now goodwill, देखिए एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं. आप जो नाम है जियो, वो आप जियो नाम सुनते ही पता चल जाता है ये क्या है. ये एक टेलीकॉम कंपनी है. वो क्या प्रोवाइड करता है? टेलीकॉम मतलब जियो आपका क्या क्या प्रोवाइड करता है. जियो आपका सिम देता है, जियो फाइबर आ चुका है, मतलब डीटीएच सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसके बाद आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है. नहीं तो ये जो जियो है ये उसका नाम से ही हम है उसके बिजनेस के बारे में पता चल जाता है. तो इसका जो नाम है, उसका फेम है, उसी को गुडविल कहा जाता है. तो गुडविल इज एक्चुअली द गुड नेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्नड बाय ए फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. कोई भी फर्म या बिजनेस हार्ड वर्क और ऑनेस्ट रह के जो उसका नेम एंड फेम और रेपुटेशन अर्न करता है उसी कहा जाता है गुडविल, ठीक है. नाउ गुडविल दो तरीके का होता है. एक है परचेस्ड गुडविल, अनदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेस्ड गुडविल वो गुडविल होता है एनीथिंग एनी अमाउंट विच इज पेड मोर देन द कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन से ज्यादा जो पैसा दिया जाता है एक्स्ट्रा, उसे गुडविल ऑफ द फर्म कहा जाता है. जैसे व्हेन बिजनेस परचेज द एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ द नेट एसेट्स, ठीक है. जैसे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज द परचेस्ड गुडविल. समझ में आया कि नहीं? एक्सेस ऑफ एसेट्स अगर कोई भी पेमेंट होता है उसे कहा जाता है परचेस्ड गुडविल. अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर इनहेरेंट गुडविल. मतलब जैसे अभी बहुत सारे, जैसे अगर हम बोरिस का नाम सुने, बोरिस वो क्या है, वो हमें पता चल जाता है कि बोरिस क्या है, वो बेकरी सर्विस चलाता है, ठीक है. नहीं बोरिस. बाटा का नाम अगर हम सुने तो बाटा का नाम से ही हमें पता चल जाता है वो अच्छा क्वालिटी का शूज, चप्पल, सैंडल्स बेचता है. तो ये जो उसका नाम है, उन लोगों ने हार्ड वर्क करके अच्छा क्वालिटी का चीजें देके सेल्फ जनरेट किया है, इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बात समझ में आया कि नहीं? गुडविल इज एक्चुअली द नेम फेम ऑफ द बिजनेस जिसके वजह से कस्टमर रिटेन होते हैं. कोई भी एक नया चीज जब मार्केट में लॉन्च होता है, व्हाटएवर मे बी द गुड्स, पहला नया नया है तो डेफिनेटली कस्टमर उसे खरीदने की कोशिश करेंगे. बट कस्टमर रिटेंशन इज एक्चुअली द गुडविल ऑफ द बिजनेस. कस्टमर रिटेन होगा, एक ही चीज आप ही से बार बार खरीदेगा. जैसे कि दंतकांति ले लीजिए. दंतकांति सबसे इंडिया में आजकल दंतकांति सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट है. ये नाम जो है, ये दंतकांति, पतंजलि का वो जो फेम है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद आपका आ गया आयुर्वेद पुराने जमाने में लेके गया, नेचर से जुड़ा है पतंजलि ने हमें. तो पतंजलि का जो प्रोडक्ट्स है वो पतंजलि का नाम से ही पता चल जाता है कि द प्रोडक्ट्स अच्छा होने वाला है. तो ये उसको गुडविल है. गुडविल अर्न किया है, हार्डवर्क और मेहनत से अर्न किया है. समझ में आएगी नहीं? ओके, नाउ फिर क्या देखते हैं? अभी हमें यह देखना है कि ये गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी. देखिए, व्हेनेवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर चेंजेस द पार्टी विच मेक्स ए सैक्रिफाइस मस्ट बी कंपेंसेटेड. इसका मतलब यह है कि व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट दैट द फर्म पार्टनरशिप फॉर्म, ये गुडविल पार्टनरशिप फॉर्म का ही एक पार्ट है, ठीक है. पार्टनरशिप फॉर्म पुराना वाला चेंज होके एक नया पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होने जा रहा है, इन दैट केस गुडविल नीड्स टू बी क्रिएटेड. मैं बता देता हूं क्यों. जैसे एक एग्जांपल लेते, ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है. उन्होंने मिलके ये वाला बिजनेस बनाया, तो उन लोगों का मेहनत से ये बिजनेस क्रिएट हुआ. अभी एक सी अगर एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री करना चाहता है तो इसको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आते ही उसको प्रॉफिट मिल जाएगा. तो ए और बी ने इतना दिन जो मेहनत करके गुडविल अर्न किया है, दैट गुडविल
ये गुडविल के ऊपर सी का भी हिस्सा बनेगा, है कि नहीं? बिना मेहनत के वो जो सी का हिस्सा बनेगा वो कितना है, ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट किया जा सके, इसी के लिए गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशन जब पुराना फर्म बंद करके नया फर्म कंस्टिट्यूट किया जाता है, तब गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे व्हेन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे पहले 2:3 में ए और बी 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते थे, बाद में ये हो गया नया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी 3:1, नाउ नीड्स गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। रीजन ये है, पहले बी को ज्यादा मिलता था, अभी ए को ज्यादा मिलेगा, तो ए को जो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, नहीं उसमें मेहनत बी का भी है, इसीलिए गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि ए को कंपेंसेट किया जा सके। क्लियर? और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी एक पार्टनर, नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो पुराना पार्टनरशिप फर्म क्लोज होके एक नया पार्टनरशिप फर्म होता है, तब गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत है। ऑन रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, तब भी एक नया पार्टनरशिप फॉर्म होगा। कोई पार्टनर मर गया, तब एक नया पार्टनरशिप फॉर्म होगा। व्हेन एमालगेमेशन ऑफ टू फर्म्स टेक प्लेस, जब दो फर्म एक ही फर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब भी गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड, पार्टनरशिप फॉर्म जब बेचा जाता है, ठीक है, तब गुडविल करने की कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ये भी ए और बी ने अगर डिसाइड किया कि ये बिजनेस बेच दिया जाए, तो इन लोगों ने इतना दिन जो ये मेहनत करके बिजनेस बनाया, बिजनेस का नेम ऑन फेम बढ़ाया, इस नेम ऑन फेम के लिए भी उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड। ओके, सो नाउ गुडविल वैल्यूएशन के तरीके कितने होते हैं? देखिए, देयर आर एक्चुअली 4 मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्टली 2 मेथड्स, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे। ओके, पहला आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, कुछ साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है। तो प्रॉफिट्स का कुछ साल का, अगर पिछले कुछ साल का प्रॉफिट्स अगर दिया है, उसमें से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और फिर गुडविल कैलकुलेट कर लेना है एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ये है कि परचेस्ड गुडविल, कितने साल के लिए आप गुडविल वो बिजनेस खरीद रहे हैं, उतने साल में, जैसे जितने साल बिजनेस का हो गया, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज उसी को शो करता है कि उतने साल में। देखिए, नंबर ऑफ इयर्स परचेज इसलिए कहा गया है कि पहले पहले तो बिजनेस का गुडविल होता नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है या जो ओनर्स या जो पार्टनर्स होते हैं, पहले बहुत सारे मेहनत करते हैं, उसके बाद एक टर्म के बाद उसका फेम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए नंबर मतलब कितने साल, एक रिज्यूम किया जाता है कि इतने साल उसका फेम पूरा पिक पर था, इसीलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज करने से ही वो गुडविल कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। बट कुछ प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। क्या है, अगर किसी साल में एवरेज प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर ईयर में एबनॉर्मल इनकम हो, तो उसे नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करना पड़ता है। अगर किसी साल में एबनॉर्मल लॉस हो, तो उसे नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर, बिकॉज द इनकम इज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। अगर कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया गया है और उससे इनकम रिसीव होके प्रॉफिट इंक्रीज किया, तो उसे लेस करना है, क्योंकि ये बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुआ है। क्लियर? सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा, आकांक्षा चेतना दीपांशु आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड टू टेक जतिन इन टू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2015 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। जतिन को पार्टनरशिप में लेगा, भविष्य में उसे 1/5 शेयर मिलेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 years। मतलब 2 years परचेज करना है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी,
हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे स्टेप वन में। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, देख लेते हैं कितना है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते इधर, ये 0 0 है। नाउ 6 + 4 = 10 + 4 = 14, 1 कैरी, 1 कैरी, 6 + 1 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 4 = 13, 1 कैरी अगेन, 8 9 = 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 9 हो गया 30, बस 30,300 31 हो गया ना, 3,03,400, तो कर देते 3,03,400 डिवाइडेड बाय 4, 4 साल का ही है तो 4 से कैलकुलेट करते हैं, 4 7 = 28, 23, 4 5 = कितना हो गया ओके 4 23 हो गया, 4 5 = 20, 34 अगेन, 4 8 = 32, 20, 4 5 = 20, 0, 75,850, 75,850, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अभी अगर गुडविल कैलकुलेट करना हो, वेरी इजी, गुडविल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फॉर्मूला बिकम्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला कितना 78,850 इनटू कितना था 2 टाइम्स, दो गुना कर दीजिए, 2 0 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 8 = 16, 17, 1 कैरी, 2 8 = 16, 17, 1 कैरी, अगेन 2 7 = 14, 15, 157,700, ये हो गया गुडविल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सो लेट अस मूव इन टू आवर नेक्स्ट मैथड विच इज वेटेड एवरेज मैथड। इसमें क्या होता है, देखिए ईच ईयर प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड By assigned weights, कुछ weights, extra weights दिया जाता है, ठीक है? Products are added, divided by total number of weights. Weighted average is multiplied by agreed numbers of, जैसे total product of the profits by total of weights, कर लिया? उसके बाद weighted average profit into number of years purchase, हो गया आपका goodwill, इसमें weights दिया जाता है, देखिए, बोला है the profits of a firm for the last 5 years, 5 साल का profit दिया, ओके 2011 में 45,000, 12 में 50,000, 13 में 52,000, 2014 में 65,000, 15 में 85,000, ठीक है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 इयर्स परचेज, ओके हर साल में कुछ वेट्स दे दिया, 2011 में 1 2 3 दीज आर द वेट्स गिवन, क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ वेट्स, प्रॉफिट्स इनटू वेट्स को करके हमें वेट्स प्रॉफिट वेट्स निकालना है, या फिर इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स इन वेट, प्रोडक्ट्स लिख देते हैं प्रोडक्ट्स, ओके जस्ट 43,000 ये जो प्रॉफिट्स दिया गया है इससे हर साल का वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद टोटल करो और वेट्स को टोटल करो, तो टोटल किया तो आया 9,84,400, वेट्स अपना कितना है 15। अभी हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देखिए इधर कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए टोटल प्रोडक्ट्स कितना है आपका 9,84,400 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, 15 से डिवाइड कर दीजिए, करते हैं 15 से किया तो 15 6 90 84, नाउ उसके बाद आता है 84 हो गया ना, 15 6 = 90, 84, 15 5 = 75, 94, अगेन 15 6 = 90, 15 6 = कितना हो गया 90 अगेन, 15 6 = 90, इधर क्या बचा 8 बचा, 84, 15 5 = 75 बचा 9, 94, 15 6 = 90, 15 2 = 30, बचा 10 100, 15 6 = 90 अगेन,
और तो ये 10 ऐसे ही रहेगा, लगभग 65,626। ओके, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अभी गुडविल कैलकुलेट कर लो, गुडविल वेरी इजी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इयर्स परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 65,626, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4, दिस इज 5, 2 6 12, 1 कैरी अगेन, 2 5 10, 1 कैरी 11, 2 6 12 13, 131,252। कुदिल कितना आया 1,31,000, मतलब 31,252। बस ये हो गया आपका गुडविल। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम और दो मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है कैपिटलाइज्ड मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये दोनों हम पढ़ेंगे। सो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, आप लोग को पता है क्या करना है, जस्ट कॉमेंट कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। So that much for today. Keep smiling. Goodbye.